जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मंगलवार को मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दिनेश गुजर के निर्देशानुसार सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर की अध्यक्षता में पूर्व विधायक रमेश सक्सेना के मुख्य अतिथि में मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के सीहोर जिला अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सिंह डांगी की विशेष उपस्थिति में कार्यकारिणी गठन को लेकर और नियुक्ति पत्र वितरण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। जय जवान जय किसान जय कांग्रेस के नारों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के सीहोर जिला अध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर सिंह डांगी के द्वारा वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं अतिथियों का पुष्प मालाओं से स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को पूर्व विधायक रमेश सक्सेना, जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर बलवीर सिंह तोमर, सीहोर जिला कांग्रेस अध्यक्ष ओम वर्मा, युवा कांग्रेस के मध्य प्रदेश सचिव राजीव गुजराती ने प्रमुख रूप से संबोधित किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजा राम बड़े भाई, राजेश भूरा यादव, रेहान नवाब, आशीष गहलोत, केके रिछारिया, भगत सिंह तोमर, उमराव सिंह सहित बड़ी संख्या में जिले भर से पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के सीहोर जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह डांगी के द्वारा जारी की गई सूची के मुताबिक विष्णु विश्वकर्मा, बड़कला हसन, यादव सिंह डांगी सोठी, अर्जुन सिंह ठाकुर बिजोरी, उमराव सिंह कादमपुर, लखनलाल वर्मा करंज खेड़ा, अभिषेक ठाकुर दोराहा, पवन गुजर अहमदपुर, तुलसी राम गुजर भोज, बबलू बना मगरदा, धीरज सिंह ठाकुर नयापुरा, गजराज सिंह महोड़िया, शेर सिंह मेवाड़ा झागरिया, ज्ञान सिंह वर्मा मोगरा राम, गजराज सिंह आष्टा, सोभाल सिंह आष्टा, मोहम्मद इमरान खान आष्टा, दिग्विजय सिंह राजपूत आष्टा, मोर सिंह आष्टा, जगदीश सिंह राजपूत नसुल्लगंज, तारिक भाई बुधनी, वीरेंद्र दुबे बुधनी, फूल सिंह चौहान सहागंज, देवेंद्र शर्मा सहागंज को मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार देवेंद्र चौधरी निपानिया कला, राजेंद्र मेवाड़ा राजू खेड़ी, सलीम भाई सेमरा दांगी, मोर सिंह मेवाड़ा बमूलिया, रियासत खान रोला, रंजीत सिंह डांगी खाईखेड़ा, मयंक अग्रवाल जमोनिया, सुरेश परमार टकीपुर, छगन जाट इछावर, राहुल जलोदिया मोगरा राम, कृपाल सिंह आष्टा, लखन सिंह ठाकुर आष्टा, धीरज पहलवान आष्टा, शैलेंद्र ठाकुर आष्टा, उमा शंकर नागर रेहटी, देवी राम मीना बुधनी, छगन लाल दुबे बुधनी, बलराम गोपालपुर, शहजाद खान लाड़कुई को महामंत्री नियुक्त किया गया है। धर्मेंद्र शर्मा थूना, विक्रम सूर्यवंशी खंडवा, बहादुर सिंह डांगी पानविहार, प्रीतम सिंह डांगी सेमरा डांगी, देव नारायण प्रजापति सेमला जदीद, अर्जुन पटेल हालिया खेड़ी, राधेश्याम मालवीय आष्टा, कृपाल सिंह आष्टा, रमेश विश्वकर्मा आष्टा, नारायण सिंह नसुल्लगंज, दीपक यादव लाड़कुई को मध्य प्रदेश कांग्रेस का सीहोर जिला सचिव घोषित किया गया है। हेमराज जाट खंडवा, भोलाराम त्यागी बिजलोन, देशराज ठाकुर आष्टा, मोहन सिंह यदुवंशी लाड़कुई, दीपक डांगी डोबरा को संगठन मंत्री और मीडिया प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार ब्लॉक अध्यक्ष की श्रेणी में भैरोलाल पाटीदार ब्लॉक अध्यक्ष शामपुर, लोकेश गौर ब्लॉक अध्यक्ष दोराहा, तारा यादव ब्लॉक अध्यक्ष सीहोर, राजेंद्र सिंह ठाकुर ब्लॉक अध्यक्ष इछावर, रघुवेंद्र वर्मा सोंडा, रहमान खान ब्लॉक अध्यक्ष बिल्किसगंज, नरेंद्र कुमार यादव ब्लॉक अध्यक्ष आष्टा, धीरज सिंह ब्लॉक अध्यक्ष जावर, राहुल जाट ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धिगंज, आत्माराम परमार ब्लॉक अध्यक्ष कोठरी ग्रामीण, अनिरुद्ध दुबे ब्लॉक अध्यक्ष बुधनी सलकनपुर, दीपक राजपूत ब्लॉक अध्यक्ष सहागंज नादेर, मुकेश पटेल ब्लॉक अध्यक्ष गोपालपुर माधववाड़ा, सत्यनारायण पटेल ब्लॉक अध्यक्ष लाड़कुई लोधड़ी, भरत सिंह भाटी ब्लॉक अध्यक्ष नसुल्लगंज को नियुक्त किया गया है। कोसा अध्यक्ष की जिम्मेदारी डीसी लाल सेठ शेखपुरा को दी गई है। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के सीहोर जिला के नवनियुक्त पदाधिकारियों को बने सिंह, उमराव सिंह, भगत सिंह तोमर, के रिछारिया, राकेश वर्मा, राम प्रकाश चौधरी, ब्रजेश पटेल, पवन राठौर, महेंद्र सिंह ठाकुर, देवेंद्र चौधरी, राजेंद्र यादव, करण सिंह डांगी, तुलसी राठौर, मांगीलाल डांगी, निशांत वर्मा, हर्षदीप राठौर, तारा यादव, आशीष रोहिला, ओम मोदी, ओम सोनी, विक्रम डांगी, सत्यम राठौर, कमलेश चांडक, तुलसी राम गुजर, आसिफ मंसूरी, अशरफ अली, मुनव्वर मामू, सत्यम ठाकुर, राजेंद्र ठाकुर सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा बधाई शुभकामनाएं दी गई हैं।
का किसान तो अभी मृत अवस्था में है, किसी को बुरा लगे तो लगे। संघर्ष करने नहीं जानता, अपने अधिकारों की बात करना नहीं जानता, स्वाभिमान से किसान को कैसे जीना है वो जानता नहीं है। हमारे किसानों का स्वाभिमान मर चुका है। वो जिला कृषि प्रधान जिला है या किसान लोग ज्यादा है, किसान मत जाता ज्यादा है, इसलिए जगवीर भाई आपकी और आपकी टीम की बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी कांग्रेस को 2023 में मध्य प्रदेश की सत्ता दिलवाने में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी एक बात हमेशा बोलते हैं, ज्यादातर भाषणों में बोलते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सरकार से नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है। किसान बहुत दुखी है, भाजपा प्रशासन ने किसानों को प्याज के आंसू रुलाए हैं, भाजपा प्रशासन ने किसानों को लेसन के आंसू रुलाए हैं, भाजपा प्रशासन ने किसानों को मूल्य खाद की बोरी के लिए रुलाया है, भाजपा प्रशासन ने किसानों को खेती की बोरी के लिए रुलाया है, भाजपा प्रशासन ने किसानों को लाइन में लगाया है। ऐसी सरकार को भाग फेंकने के लिए आज जितने भी मेरे वरिष्ठ साथी हमारे बीच में हैं, भले कम हो, सच्चे हो और अच्छे हो, हमें पांचों की जरूरत नहीं। हमारे भक्त ने ऐसा आग्रह किया था, भले सिपाही हमारे कम हो पर अच्छे हो, सच्चे हो, और कांग्रेस के लिए लड़ते रहो और कांग्रेस के लिए लड़ते रहो। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गुर्जर जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में किसान कांग्रेस पूरे सीहोर जिले में गांव-गांव भारत जोड़ो यात्रा और किसान कांग्रेस की पैदल यात्रा पूरे किसानों के सुख दुख को सुनने के लिए पूरे जिले में यात्रा करेगी। आज किसान कांग्रेस की कार्यकारिणी की घोषणा हुई है सीहोर जिले की। चारों विधानसभाओं में हमने उपाध्यक्ष, महामंत्री, सचिव, सह सचिव, संगठन मंत्री, कोषाध्यक्ष और चारों ब्लाकों के ब्लाक अध्यक्षों की नियुक्ति की है आज किसान कांग्रेस के माध्यम से। वर्तमान में क्योंकि भाजपा की रीति नीति किसानों के हित में बिल्कुल एकदम विपरीत दिशा में जा रही है, तो आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के मार्गदर्शन में आज हमारे देश में क्योंकि पूरा भाजपा के शासन में पूरा देश और भारत के किसान, जिले के किसान, मध्य प्रदेश के किसान पूरे दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। तो इसलिए हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्देश अनुसार किसान कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे किसानों को जोड़ेगी, मजदूरों को जोड़ेगी, आश्रित लोगों को जोड़ेगी, बेसहारा लोगों को जोड़ेगी, विदेशन वाले लोगों को जोड़ेगी, क्योंकि किसान कांग्रेस के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा और किसान के हित की लड़ाई मध्य प्रदेश में सीहोर जिले में किसान कांग्रेस के माध्यम से किसान के हित की लड़ाई लड़ी जाएगी।